और इन चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए आज जो है यहाँ पे शेयर मेरा फ्लैट क्लोजिंग दिया है। अगर पिछला 5 दिन का डेटा देखें यहाँ पे तो स्टॉक देखिए यहाँ पे 4.5% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है, और पिछला 1 महीना में देखिए यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न, 6 महीना भी देखें तो भी 8.5% का नेगेटिव रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि स्टॉक का अगर आप पी का बात करें तो देख सकते हैं अभी भी मेरा करंट पी जो 7 रुपया का चल रहा है, मतलब स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है। मार्केट कैप भी देखिए लार्ज कैप है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ के बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले स्टॉक यहाँ पे मेरा न्यूज़ में भी ट्रेडिंग कर रहा था, ONGC के बारे में बात हो रहा था, जी बिजनेस का आर्टिकल में देख सकते हैं, मिंट में भी छपा हुआ था। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो सब कोई जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन करते हैं स्टॉक को, इतना अच्छा वैल्यूएशन के साथ मिलता है। अगर स्टॉक का यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंपनी का डिटेल्स में देखते हैं तो देख सकते हैं ONGC इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, मतलब कंपनी सबसे यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट फील्ड में काम करता है, अपना सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है। और यहाँ पे अगर इस्टेब्लिश का बात करें तो 1956, वो भी क्या है, इतना पुराना कंपनी है, तो आराम से इस पर आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब PSU कंपनी है और बहुत पुराना इस्टेब्लिश कंपनी है और अपना सेक्टर का दिग्गज है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप का बात करें तो देखिए यहाँ पे लार्ज कैप है और करंट प्राइस देखिए 254 का। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉक का यहाँ पे पी का बात करें, हाँ देखिए 7.68 का स्टॉक का पी है, और यहाँ पे अगर ROC ROE देखें तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है, 15% से मोर देन अच्छा माना जाता है, और दोनों ही 15% से यहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम लोग थोड़ा सा स्टॉक का यहाँ पे बेस देख लेते हैं तो कंपनी यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे आता है अपना सेक्टर का बादशाह, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया हुआ 3,19,000 मार्केट कैप है स्टॉक का। और पी देखिए अगर उसका कंपनी के साथ, अगर बाकी सब कंपनी उसका कंपटीटर के साथ पी को आप देखें तो सबसे सस्ता ही नज़र आता हुआ रहा है। और फंडामेंटली देखा जाए तो पी के हिसाब से बहुत आदमी स्टॉक को मतलब एज ए एडवाइज़र ले लेते हैं कि हाँ भैया पी सस्ता है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ भी जाता है तो भी स्टॉक का वैल्यूएशन जो है 20-30% वहाँ से बढ़ जाएगा। अगर ये पी अगर यहाँ तक ट्रेड करता है सोच लीजिए दीप इंडस्ट्री के साथ, तो समझ लीजिए स्टॉक का वैल्यू कितना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगर यहाँ तक का ये पी के साथ भी कंपेरिजन कर लीजिए तो आप देख लीजिए स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, मतलब 254 का चल रहा है और ये 35 का पी है, कुछ भी नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पे 1,000 रुपया तक का आराम से स्टॉक आपका जाता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें स्टॉक का लेके फंडामेंटल को, तो सेल्स ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं स्टॉक का, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल का पिछला यहाँ पे देखिए 25%, मतलब बढ़ के आया है 3x यहाँ पे आपका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है कंपनी का। वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी देखिए 10% था पिछला 5 साल से, अभी 3 साल का देखें तो देखिए 47% का है, मतलब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत अच्छा है। और बैलेंस शीट तो फंडामेंटल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आप देखें यहाँ पे तो अच्छा कंपनी का करता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक ईयर एंड ईयर देखा जाए तो सेल्स अच्छा बढ़ रहा है। और अगर मेन चीज़ इन्वेस्टर लिस्ट चेक करें कंपनी का तो देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 58.9% माल पड़ा हुआ है, और FIs वाला देखिए यहाँ पे 8% का माल लेके बैठे हैं। और मेन चीज़ है यहाँ पे DIs देखिए स्टेक कहीं ना कहीं सितंबर ये जो सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा बात है। अगर FIs DIs ऐसे बड़े प्लेयर्स स्टॉक को अगर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 19 और 8, मतलब मान लीजिए अगर 28% अगर बड़ा इन्वेस्टर माल लेके यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है। स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल पहले ही बात किए हुए हैं, बहुत अच्छा है, और कंपनी अपना सेक्टर का लार्जेस्ट कंपनी है क्रूड ऑयल। और इसको देखिए अगर आप ONGC को अगर आप मतलब ONGC के ऊपर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। क्रूड ऑयल जैसे बिहेवियर करेगा आपका ये भी शेयर उसी टाइप का ही बिहेवियर करेगा, उसके प्राइस के हिसाब से मेरा ONGC का भी प्राइस मूवमेंट होता है। हालांकि मेरा स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज व्यू करके डिटेल्स करके स्टॉक को जो है मतलब आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। मेरा कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहता है, मेरा हर एक वीडियो अपना एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बनाते हैं थोड़ा सा सीखने के लिए, जैसे कि कंपनी के बारे में डिटेल शेयर करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल आपके साथ शेयर करते हैं, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, आप अपने हिसाब से स्टॉक को जो है मतलब एनालाइज करके स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह करने का आप सोच सकते हैं। फिर भी अगर देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नहीं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।